नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। कुशवाहा परिवार पर हुए जानलेवा हमले के समर्थन में आए पूर्व विधायक राजेंद्र भारती। जानकारी के अनुसार 12 मई की शाम को पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती और उनके साथ आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वामी शरण कुशवाहा ने इंद्रगढ़ के ग्राम कुठोंदा में पीड़ित परिवार के साथ बैठकर झगड़े में घायल हुए लोगों के बारे में जानकारी ली और पुलिस के द्वारा लगाई गई धाराओं को पढ़कर कहा, कानून आपके साथ इंसाफ जरूर करेगा, हम सब पीड़ित परिवार के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। सर, जो कुशवाहा समाज पर ग्राम कुठोंदा में झगड़ा हुआ है, उनको आप यहाँ आज उनके बीच में आए हुए हैं और वो आपसे मदद की आशा करते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है इसमें, दो लोगों को छोड़कर बाकी सब फरार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस? देखिए, जो विवाद और झगड़ा हुआ है जी, मास्क लगा लो ना, उसमें जो है, जो पीड़ित पक्ष है जी, उनकी कानून मदद करेगा जी, और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि कानून के अनुसार मुलजिमों की गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और पीड़ित पक्ष की मदद हो। थैंक यू सर, धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी, आप पीड़ित परिवार के पास आए, कुशवाहा परिवार ग्राम कुठोंदा में झगड़ा हुआ था, उसमें अभी तक केवल दो गिरफ्तारियां उसी दिन हुई हैं और आज सारे लोग फरार हैं, इस केस पर आप क्या प्रकार डालना चाहेंगे, किस प्रकार से सांत्वना देना चाहेंगे पीड़ित परिवार को? ये तो बड़ी कमजोर वर्ग जो हमारा कुशवाहा समाज है जी, और दतिया जिला में काफ़ी तादाद में निवास करता है जी, मेहनत करता है और ज़मीन खोदकर अपने परिवार को पालता है। दतिया ज़िले की जब से BJP गवर्नमेंट आई, तब से प्रशासन दबंग लोगों के द्वारा अत्याचार, कमजोर वर्ग और कुशवाहा बिरादरी पे अत्याचार हो रहा है, और जो कुठोंदा ग्राम में घटना घटित हुई है जी, ये बहुत निंदनीय है, ये प्रशासन के लिए चुनौती है। जिस पीड़ित परिवार के घर में घुसकर और जिस तरह से बर्बरता से कानाम को 80 साल के बुजुर्ग और नौजवान और महिलाओं के साथ मारपीट की, छीना झपटी किए, ये निंदनीय है। ये प्रशासन दतिया में का गृह मंत्री होते हुए भी और दतिया के इस बिरादरी पर इतना अत्याचार हो रहा है, तो मैं इसको घोर निंदनीय कहता हूँ, इस पर कार्रवाई नहीं की है तो आने वाले समय में जी, हमको ऐसा लगता है कि हमको जाति संघर्ष की स्थिति में ना जाना पड़े, तो प्रशासन से अनुरोध है कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें, जिससे कानाम को हमारा समाज पर दलित कुचले समाज पर अत्याचार ना हो। और आगामी 10 दिन का टाइम देते हैं, अगर प्रशासन ने सही कार्रवाई और गिरफ्तार नहीं किए तो कुशवाहा समाज रोड पर आकर और प्रशासन के खिलाफ मोर्चाबंदी करेगा। थैंक यू सर।